लेक्चर अबाउट बायोलॉजिकल मेथड. तो हम स्टडी कर रहे थे कंट्रीब्यूटेड द एडवांसमेंट इन मेडिसिन इकोलॉजी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लीनियस एक्सपेरिमेंट इन 1950s फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स. जो बायोलॉजिकल मेथड है, ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 500 साल से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. और 1950s में ग्लीलियो ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया था. तब से लेके अब तक डिफरेंट फील्ड्स में एडवांसमेंट के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है उसको यूज़ किया जाता है. और ये डिफरेंट फील्ड्स की जो एडवांसमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? मेडिसिन में तो ये है ना कि हम मेडिसिन वगैरह की स्टडी करते हैं. इकोलॉजी का मतलब ये होता है, ये इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं. और इसका मतलब ये होता है कि इंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट. जैसे कि लाइसिस की अगर आप ये एग्जांपल लें तो लाइसिस में क्या होता है कि लाइसिस हमारे साथ इंट्रैक्शन करती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि खुद जो है वो फ़ायदा गेन करती हैं. है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसका जो है वो यूज़ किया जाता है. अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स क्या हैं इसके? पहले तो सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले तो देखना है कि कौन सी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अपनी फील्ड के हिसाब से. मतलब ये कि कुछ इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि पौधों पे काम करते हैं, कुछ इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं, कुछ इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि जानवरों पर काम करते हैं, और कुछ इस तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है एनिमल्स के या प्लांट्स पे उस पर काम करते हैं. तो अपनी फील्ड के हिसाब से जो टॉपिक है उसको चूज़ किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की एग्जांपल लें कि फैसलाबाद के जो हॉस्पिटल हैं उसमें डायबिटिक पेशेंट्स कितने हैं और कौन कौन सी एज के हैं, तो ये हमने एक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर ली. फिर बाद में नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फैसलाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें रैंडम जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये आता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो 40 से अबव एज के होते हैं और कम एज के जो पेशेंट्स हैं वो कम है. फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई. नेक्स्ट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में क्या है कि हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं. जो भी हमारे माइंड में बात होती है हम उस चीज़ की स्टेटमेंट बना लेते हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि ये पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल हम ये हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है और 40 से जो अबव एज के लोग हैं उनमें ज़्यादा है, और उसकी रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो गई है ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी और सॉफ्ट ड्रिंक्स की, और इसके अलावा जो वीट है अगर उसकी ओवर यूसेज की जाए तो उससे भी डायबिटीज़ हो जाती है. ये फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेसिस बनाया. नेक्स्ट उसके बाद डिडक्शंस की जाती हैं, मतलब उसको मॉडिफाई किया जाता है जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया. उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती हैं. एक्सपेरिमेंटेशंस में एक्सपेरिमेंटेशन दो तरह की होती हैं. एक एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह की होती है जो कि लैब में की जाती है. एक एक्सपेरिमेंटेशन इस तरह की होती है जो कि लैब से बाहर की जाती है, फील्ड वर्क जिसमें किया जाता है. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें फील्ड वर्क किया जाता है उसमें ये देखा जाता है. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को विजिट किया जाएगा या जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो साइट है उसको विजिट किया जाएगा. तो अगर हमें शुगर पेशेंट्स को देखना है तो हम हॉस्पिटल्स को विजिट करेंगे. हॉस्पिटल्स में से हम डिफरेंट पेशेंट्स का ब्लड लेंगे और फिर देखेंगे कि उस ब्लड में क्या क्या चेंजेस आती हैं, और उसकी जो इसके अलावा उनका पूरा एक सर्वे किया जाएगा और फॉर्म फिल करवाया जाएगा कि उनकी डाइट क्या है, वो खाते क्या हैं, कौन सी ऐसी रीज़न बनी जिसकी वजह से शुगर का सामना करना पड़ा. लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जांपल टॉपिक किस तरह का यूज़ किया जाता है जिसमें लैब की ज़रूरत पड़े. फॉर एग्जांपल हमने ब्लड ले लिया डिफरेंट पेशेंट से, अब ये जो ब्लड है वो लैब में जाएगा और लैब में फिर इसके डिफरेंट टेस्ट होंगे और शुगर टेस्ट होगा और डिफरेंट जो उसके अंदर नाइट्रोजनस
वेस्टेज है उसका, यूरिक एसिड का टेस्ट होगा, डिफरेंट टेस्ट होंगे कि इस पेशेंट में आखिर चेंजेस क्या आई हैं। तो ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट्स आए हैं उसको हम बाद में हम समराइजेशन करते हैं रिजल्ट्स के, जो भी रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट का नाम और उसकी एज और एरिया और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और उसकी जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट है उस सब के बारे में जो रिजल्ट्स है उसको हम समराइज करते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं और इसके अलावा ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। टेबल्स बना के और उसमें पूरा एक मैनुअली तौर पे एक तरीक़ाकार प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जिसमें एक साइड पे सीरियल नंबर, कॉलम के ऊपर साइड पे हेडिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट का नेम होगा, पेशेंट की एज होगी, पेशेंट के फिजिकल अपीयरेंस कैसी है और इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री अगर है, जेनेटिक्स में अगर है तो उसके बारे में निशानदेही की जाएगी। मतलब तो पूरा एक हेल्थ सर्वे जो है वो टेबल्स की फॉर्म में नोट किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राफिक्स भी, मतलब ये कि जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसको ग्राफिक्स की सूरत में भी नोट किया जा सकता है। और उसके बाद ये जितने भी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं इसको बाद में पब्लिश करवा दिया जाता है। पब्लिश के लिए इसको क्या किया जाता है, इंटरनेशनल या नेशनल डिफरेंट जो जर्नल्स होते हैं उनको ये काम जो है वो सेंड कर दिया जाता है। और पब्लिश करने के बाद जो आपका काम है वो डिफरेंट एरियाज में और एट द एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जा सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर है। और यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड यूज होगा, ये मिस्टेकनली साइंटिफिक मेथड लिख दिया, बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट फर्दर इसकी और डिटेल क्या है, इसकी और एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।